हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल सो इन दिस वीडियो आई विल रिव्यू बैंक निफ्टी एंड तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं तो जैसा कि कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी में हमने रिकवरी देखी है अच्छी रिकवरी देखी है अच्छा बुल्स शाइन मिला है अच्छी कैंडल बनी है और ये रिकवरी हम आगे भी कंटिन्यू होते हुए देख सकते हैं साथ में मैंने आपको कुछ लेवल्स बताए थे तो ये लेवल्स सीख लेते हैं हमारे सपोर्ट लेवल्स हैं 36,160 से लेके 36,200 के तो मैंने आपको बताया था कि अगर ये लेवल सस्टेन होते हैं तो पहला लेवल जो बैंक निफ्टी टेस्ट कर सकता है वो 36,677 से लेके 36,671 का देख सकता है ये एक इमीडियट सप्लाई एरिया है एक इमीडियट रेजिस्टेंस जोन है तो आप देख सकते हैं आज जो क्लोजिंग हुई है हमारे पहले रेजिस्टेंस के पास ही हुई है आज जो हमारा टारगेट था पहला टारगेट यहाँ पे हिट हो तो चुका है आज की ओपनिंग ऑलमोस्ट

चांसेस यहाँ पे बन जाते हैं कि हो सकता है रेसिस्टेंस रेजिस्टेंस कल के सेशन में यहाँ पे क्रॉस हो सकते हैं अगर ये लेवल्स क्रॉस होंगे तो ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो हमें मिलता है करीब हज़ार पॉइंट्स ऊपर मिलता है तो अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है तो एक फास्ट मूव हम देख सकते हैं करीब सैंतीस तक का तो कल इम्पॉर्टेंट uh, है कि कल की ओपनिंग किस तरह की होती है अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो बहुत अच्छा फास्ट मूव देख सकते हैं अगर फ्लैट ओपनिंग होती है उसके बाद यहाँ पे ब्रेक होता है उसके बाद भी हम एक अच्छा मूव देख सकते हैं गैप डाउन ओपनिंग अगर होती है फिलहाल चार्ट्स को देख के ऐसे लग नहीं रहा कि गैप डाउन ओपनिंग होगी अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो फिर आपको वहां पे थोड़ा सा प्राइज एक्शन का वेट करना पड़ेगा जिस भी तरह का प्राइज एक्शन हो उस केस में आपको ये लेवल्स क्रॉस होते हुए दिखने चाहिए डिसाइजिवली पहले घंटे में तभी हम आगे का अपमूव देख सकते हैं हमारे जो सपोर्ट लेवल्स हैं वो हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे सो so, कल के लिए सपोर्ट लेवल्स रहेंगे 36,340 से लेके 36,400 के ये 60 पॉइंट का सपोर्ट जोन है अगर ये सस्टेन करेगा कल अगर गैप डाउन ओपनिंग भी होती है वैसे फिलहाल चांसेस नहीं लग रहे हैं अगर होती है और ये लेवल भी सस्टेन करते हैं तो हो सकता है इस एरिया में यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर हमें ब्रेक देखने को मिल सकता है सो अगेन ओपनिंग कैसी होती है किस तरह का प्राइस एक्शन डेवलप होता है उस पर डिपेंड करेगा कि कल हम किस तरह का मूव देख सकते हैं जो व्यू बनता है अभी भी आगे तेजी का बनता है ये तेजी अभी भी यहाँ पे हजार पॉइंट्स और कंटिन्यू हो सकती है तो चलिए अब निफ्टी के चार्ज देखते हैं सो कल जब हम निफ्टी के चार्ज देख रहे तो बैंक निफ्टी ज्यादा अच्छा दिख रहा था आ, निफ्टी से लेकिन आज निफ्टी ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है बैंक निफ्टी से आप देख सकते हैं निफ्टी की जो आज ओपनिंग थी ओपनिंग ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग थी उसके बाद हमने पहले घंटे में अच्छी तेज़ी देखी फिर थोड़ा साइडवेज हुआ फिर अच्छी तेज़ी देखी तो निफ्टी में अगर आप कैंडल देखेंगे तो एक अच्छी बड़ी डिसाइजिव तेज़ी की यहाँ पर कैंडल बनी है आप देख सकते हैं जो हमारे रेसिस्टेंस जोन थे 17,200 से लेके सत्रह हज़ार अस्सी तो एक बड़ा रेसिस्टेंस जोन था उसको बहुत ही आसानी से आज निफ्टी ने यहाँ पे क्रॉस कर दिया है तो नेक्स्ट रेसिस्टेंस जो हमें निफ्टी में मिलता है करीब सत्रह हजार तीस से लेके सत्रह हजार का यहाँ पे मिलता है तो करीब सौ से डेढ़ पॉइंट का मूवमेंट अभी भी हम निफ्टी में देख सकते हैं 17,400 के लेवल हैं 17,600 तक के लेवल्स हम कल देख सकते हैं तो करीब 200 पॉइंट का अपमूव यहाँ पे निफ्टी में भी हम देख सकते हैं तो निफ्टी का भी यहाँ पे स्ट्रक्चर अच्छा दिख रहा है आज हमने काफी अच्छा मूव देखा चार्ज भी यहाँ पे अच्छे हैं प्राइस एक्शन भी यहाँ पे अच्छा है और ये रिकवरी यहाँ पे भी आगे कंटिन्यू हो सकती है और अगर आप यहाँ पे आवली चार्ट देखेंगे आवली चार्ट पे अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी आप देख सकते हैं तो अगर यहाँ पे डिप भी मिलती है सपोर्ट लेवल्स जो यहाँ पे निफ्टी के लिए रहेंगे सो सपोर्ट लेवल्स यहाँ पे रहेंगे सत्रह हजार दो सौ पचास से लेके सत्रह हजार दो सौ ये सपोर्ट लेवल्स रहेंगे अगर ये लेवल सस्टेन करता है तो यहाँ पे सत्रह छः सौ तक का मूव भी हम निफ्टी में देख सकते हैं तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही अच्छे देख रहे हैं दोनों में ही रिकवरी आगे कंटिन्यू हो सकती है साथ में मैंने डिस्कस किया था हिंदुस्तान यूनी लीवर सो so हिंदुस्तान यूनी में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कैपअप ओपनिंग हुई उसके बाद थोड़ा सा साइडवेज हुआ मौका भी दिया यहाँ पे इसने आपको दोबारा आप देख सकते हैं गैप अप ओपनिंग के बाद थोड़ा नीचे भी आया था उसके बाद फिर हमने अच्छी रिकवरी देखी और अपने डे हाइस पे यहाँ पे क्लोज हुआ है डेली चार्ट पे आप देख सकते हैं काफी अच्छी बड़ी कैंडल यहाँ पे बनी है गैप अप ओपनिंग हुई गैप फिल किया उसके बाद अपने हाइस पे क्लोज हुआ है रेसिस्टेंस जो इसका इमीडिएट आता है वो करीब ट्वेंटी फोर हंड्रेड के आसपास आता है तो अपने रेसिस्टेंस के आसपास है मैंने आपको बताया था कि वीकली चार्ट पे ये जो स्टॉक है बहुत अच्छे सपोर्ट लेवल्स पे है यहाँ पे और अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी एक अच्छी तेजी की कैंडल बनी है हेमा जैसी कैंडल है वॉल्यूम भी ठीक ठाक है आर एस आई भी फोर्टी पे है तो अगर ये कल पॉजिटिवली क्लोज हो जाता है तो यहाँ पे हो सकता है इसमें हम फिर से रिकवरी देख सकते हैं और एक अच्छा पोजिशनल रेड यहाँ पर बन सकता है सो so, कल देखते हैं इसमें किस तरह की ओपनिंग होती है रेसिस्टेंस कहाँ लेता है सपोर्ट लेवल्स की बात कर लेते हैं तो सपोर्ट लेवल्स जो हमें आवली चार्ट से यहाँ पे मिलते हैं वो करीब यहाँ पे ट्वेंटी थ्री के ही मिलते हैं तो थोड़ी वॉलीटिलिटी रह सकती है यहाँ पे सपोर्ट लेवल्स काफ़ी नीचे हैं लेकिन ये ही लेवल है यहाँ पर अगर ये सस्टेन करेगा तो इसमें आगे मौका बनता है बाकी अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं तो उस केस में हमारे जो सपोर्ट लेवल्स हैं वो तेईस सौ के हैं तेईस सौ लेवल सस्टेन जब तक ये करता है यहाँ पे चांसेस बनेंगे कि इसमें हम रिकवरी देख सकते हैं सो तो ये कोई भी एडवाइस नहीं है स्टॉक में बाय और सेल करने की मैं मेयरली आपको बता रही हूँ कि कैसे आप स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं साथ में एक और स्टॉक मेरी रडार पर आया है जो है विप्रो विप्रो में भी आप देखिए कि ये इस वीक एक अच्छी तेज़ी की कैंडल यहाँ पे बनी थी गैप डाउन ओपनिंग हुई लेवल सस्टेन नहीं हुए अभी अपने वीक के हाई पे ये ट्रेड कर रहा है कल फ्राइडे है तो अगर कल इस तरह की अच्छी तेज़ी की कैंडल बन जाती है तो यहाँ भी हम रिकवरी देख सकते हैं जो करेक्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं अट्ठारह अक्टूबर से हो रहा था वो करेक्शन कंप्लीट हो चुका है और फिर हम यहाँ पे आगे तेज़ी देख सकते हैं सो so, आज की कैंडल आप देखें स्लाइटली गैप अप ओपन हुआ था और अपने डेज हाइस पे यहाँ पे क्लोज हुआ है इमीडिएट रेसिस्टेंस जो हमें यहाँ पे विप्रो के चार्ट पे मिलता है वो करीब 660 के आसपास मिलता है सपोर्ट देख लेते हैं सो या सपोर्ट लेवल्स हमारे आवली चार्ट भी करीब 633 के आसपास देते हैं सिक्स थर्टी थ्री से लेके सिक्स थर्टी फाइव के लेवल्स हैं जो इमीडिएट सपोर्ट का, का काम करेंगे अगर ये लेवल सस्टेन करते हैं तो ये आगे छः सौ साठ तक जा सकता है बाकी इस लेवल पे अगेन आप देख सकते हैं कि किस तरह का प्राइस एक्शन हो सकता है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे ट्रेड्स को ट्रेल किया जा सकता है सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो आपके लिए यूजफुल रहा हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट सेक्शन में भी मुझे लिख कर बताएं मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय। हैव अ हैप्पी लर्निंग